तो पहला प्रश्न आया है कि ये कलश पर जो नारियल होता है इसका क्या करना चाहिए। तो कलश पर जो ये नारियल विराजित होता है इसको हमें विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि नारियल के देवी भागवत में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, लेकिन जो कलश वाले नारियल का एक ही विधान है कि उसको विसर्जित कर देना चाहिए। यदि आप नारियल पूजा में चढ़ाते हैं, आपने नारियल पूजा में चढ़ाया है माता रानी को भेंट में, तो उस नारियल को आप जिस दिन माता पूजे उस दिन उसको फोड़कर फिर प्रसाद स्वरूप पहले कन्याओं को दें, उसके बाद उसको ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपके घर में किसी नवविवाहिता का अभी कंसीव नहीं हुआ है, प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो आप उसके आंचल में, आंचल मतलब इस तरीके से पल्ले में उस नारियल को दे सकते हैं, जिससे कि जब वो तोड़े और उसमें जो फूल निकले तो उसको साबित ही पानी के साथ निगल ले, इससे वो बहुत जल्दी संतान सुख को प्राप्त होती। ये तो हुआ कलश का उपाय नारियल का। अब बात आती है ये हमने जो नवग्रह रखे हैं, देखिए आप देख पा रहे होंगे ये जो हमने नवग्रह रखे हुए हैं, तो अब इस नवग्रह का हम क्या करें, इन सुपारियों को क्या हमें विसर्जित कर देना चाहिए? हाँ, इनको विसर्जित भी कर सकते हैं, और यदि आप अपने घर में जब भी कोई पूजा करते हैं और आप नवग्रह रखते हैं तो आप इन सुपारियों को गंगा जल से धोकर एक अलग डिब्बी में रख सकते हैं और उनका फिर से उपयोग कर सकते हैं नवग्रह के रूप में। इसीलिए मैं कह रही हूँ अलग डिब्बी में रखिए, क्योंकि ये केवल फिर नवग्रह को बनाने के लिए ही प्रयोग में आएंगी। दूसरा प्रश्न ये है, अब तीसरा प्रश्न, कि ये जो सुहाग का सामान है दीदी, ये हम कब लें? तो इस सुहाग के सामान को हम जब माता पूज ली जाएंगी और जब कन्या पूजन हो जाएगा उसके बाद माता के सामने बैठकर आप इसमें से कुछ चीजें जैसे कि बिंदी, चूड़ी, कुछ भी चीजें आप जैसे ले सकते हैं जो आप प्रयोग में ला सके। बाकी का सामान आप मंदिर में पंडितानी को या किसी सुहागिन स्त्री को, अपनी ननद को या सास को दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये हमारे पान रखे हुए हैं, इनको आप विसर्जित करवा दीजिए। आप कहेंगे कि हमारे यहाँ पर कोई नदी नहीं है, हम विसर्जित नहीं करवा सकते, जैसे कलश भी है, नवग्रह की कोई सामग्री है, पान है, हवन सामग्री है, प्रतिदिन जो हम अग्न्यारी करते हैं उसकी अग्न्यारी का सामान है। यदि आपके घर के पास कोई नदी तालाब नहीं है तो फिर कहाँ विसर्जित करें? तो इन सामग्री को फिर आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए, क्योंकि पीपल में 33 को देवता माने जाते हैं, वहां पर फिर पूजा की सामग्री आप रख सकते हैं तो वो आपकी विसर्जित हो जाएगी। इस प्रकार से अब हमें चौकी कब हिलानी चाहिए? जैसे ही माता की पूजा हो जाए, कन्या पूजन हो जाए, उस समय माता की चौकी को थोड़ा सा, उसका जो पाया है उसको थोड़ा सा हिला देना चाहिए। इससे कहते हैं कि हम देवताओं को मतलब विदा कर रहे हैं, लेकिन हटानी दूसरे दिन चाहिए। जैसे नौमी की माता पूजी है आपने तो दसवीं को आप चौकी हटाएंगे, और अष्टमी को पूजी है तो आप नौमी को चौकी हटाएंगे। अब जैसे कि आपने माता से सुहाग लेना है तो माता से आप जिस दिन माता पूजन उसी दिन उल्टे हाथ की छोटी वाली उंगली से आप माता से सुहाग ले सकते हैं 7 बार माता को लगाकर और अपनी मांग में भर सकते हैं 7 बार, इसको सुहाग लेना बोलते हैं। इस प्रकार से हम ये सारी चीजें करते हैं। उसके बाद कन्या पूजन में हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है माता की पूजा में? तो माता की पूजा में आखिरी वाले दिन हलवा, चना और पूड़ी जरूर बनाए जाते हैं। 9 कन्या और 2 लांगड़ाओं को जरूर खिलाना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारी तरफ दीदी कन्याएं नहीं मिलती है तो हम क्या करें? तो आप उतना ही पूड़ियां एक थाली में निकाल लीजिए कन्या पूजन की और लांगड़ा की, गिनकर चाचा पूड़ी के हिसाब से, और उनको सजा लीजिए। मैं आपको दिखा भी दूंगी वीडियो में। तो उसको आप फिर गाय को खिला सकते हैं, क्योंकि गाय में कहते हैं ना सारे देवी देवताओं का वास होता है, तो कन्याओं के नाम से, लांगड़ों के नाम से फिर आप वो पूरी गाय को दे सकते हैं। उसके बाद ही फिर जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं या जिन्होंने व्रत नहीं भी किया है, माता पूज कर ही फिर भोग ग्रहण किया जाता है। पहले माता के मंदिर में थाली चढ़ाई जाती है पूजा सामग्री, चुंदरी, भोग, हलवा, चना पूड़ी जो भी है वो माता को भोग लगाया जाता है, कन्याओं का पूजन किया जाता है। कन्याओं को आप कुछ लाल रंग की चीज जरूर गिफ्ट में दीजिए, कुछ खाने की चीजें, कुछ है ना उनके काम में आने वाली चीजें, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको लंच बॉक्स दे सकते हैं, उनको खाने के कुछ पैकेट्स बिस्किट्स वगैरह दे सकते हैं। इससे क्या होता है कन्याओं का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्याएं जब जा रही हो तो आपको एक उपाय बताती हूँ, उससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। एक कन्या को हाथ में चावल दे दीजिए और उससे कहिए कि जब वो जाए
जैसे सारी जा रही हो आप सबको एक साथ नहीं करवा सकते हैं, अगर आप सबसे करवा सके तो बहुत अच्छा है। कोई एक कन्या के हाथ में चावल दे दीजिए और उसको बोलिए जब वो जा रही हो तो अपने उन हाथ से चावलों को पीछे को ऐसे फेंकती हुई जाए। कहते हैं इससे हमारे घर में पूरे साल बरकत बनी रहती है, माता लक्ष्मी की, दुर्गा माता की कृपा बनी रहती है। तो ये जो उपाय है ना, ये बहुत कारगर होते हैं। और अभी आपने जो मेरे उपाय वाले वीडियो ना देखा हो तो मैं आपको बता रही हूँ, या आपके घर में यदि क्लेश बहुत होता हो तो क्या उपाय करने चाहिए। क्लेश के लिए मैंने बताया है, धन की हानि हो रही हो, कर्ज चढ़ गया हो तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, माता की जोत के रखवाली कैसे करनी की है। अब देखिए माता की जोत की रखवाली के लिए कभी भी, जैसे हमने अखंड दिया जो जलाते हैं तो अखंड दिए को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। दूसरा, अखंड दिए पर यदि फूल आ जाता है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बाती बहुत खराब हो जाएगी और हम इसको झाड़ के और बाती को सही करने लगते, नहीं। जब फूल आ जाए तो इसका मतलब हमारी माता हमारी पूजा स्वीकार कर रही है, तो उसको ऐसे ही जलने देना चाहिए। उस समय अपनी जो भी इच्छा है माता के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि उस समय पॉजिटिव एनर्जी हमारे मंदिर में विराजमान है। और दिए का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि अग्नि के रूप में ही सभी देवी देवता भोग ग्रहण करते हैं, चाहे पितर हो चाहे देवी देवता हो, अग्नि के जरिए। इसीलिए माता की 11 रोज की जाती है, पितरों के निमित्त भी जब पूजा होती है तो उसमें भी होम किया जाता है। तो ये आप दिए का भोग लगा दीजिए माता को, प्रतिदिन पंचमेवा का नहीं तो मखाने और बताशे का भोग जरूर लगाइए। पान का भोग भी माता को बहुत प्रिय है। आखिरी दिन माता को आप आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपके घर में बहुत बरकत रहे, तो आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बता रही हूँ। आप क्या करें, एक कटोरे में, मतलब बड़ा आप छोटा अपने हिसाब से देख लीजिएगा, उसमें मखाने रख लीजिए और उसमें कुछ सिक्के मिला लीजिए। अब उनको मिक्स करके पहले माता को लास्ट वाले दिन जब माता पूजा उनको भेंट कर दीजिए, माता के सामने समर्पित रख दीजिए। उसके बाद जब कन्या पूजन हो जाए तो वो मखाने लुटा दीजिए कन्याओं के सामने, जैसे कहते हैं ना ऐसे। अब वो बच्चे जब लूटते हैं ना उनको, तो कहते हैं घर में खुशियां आती हैं। तो ये काम बहुत कारगर है, आप करके देखिएगा, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और कितने मखाने लेने हैं, कितने सिक्के लेने, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अखंड दिए के लिए अलग से वीडियो डाल दूंगी कैसे इसकी देखभाल करनी चाहिए। और भी कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जवारे हमारे यहाँ बोई नहीं जाते हैं इसलिए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जवारे की जो खेतरी करी जाती है तो उसके जो जवारे होते हैं ना उनको विसर्जित किया जाता है, लेकिन उसमें से कुछ जवारे रखे जाते हैं वो बहुत ही मतलब पूजा पाठ में, मतलब उसका इतना महत्व बताया गया है कि तिजोरी में रखने से धन बढ़ता है, बच्चों के स्टडी रूम में रखने से बच्चों का ज्ञान बढ़ता है, बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं। सबसे पहले तो आप थोड़े थोड़े जवारे लेकर अपने कान के पीछे लगाइए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और रखने कौन से होते हैं घर में हमारी तिजोरी में, आप देखिएगा जो जवारे होते हैं वो भी मैं वीडियो डाल दूंगी। तो उसमें जो सफेद पोर्शन वाला जो जवारा होता है ना, जवारे जब उगते हैं तो आधा पोर्शन ग्रीन होता है और कुछ जवारे सफेद होते हैं, तो वो जो सफेद वाले जवारे होते हैं ना उनको तिजोरी में रख दीजिए, देखकर उनको निकालकर और पहले उनको साफ कर लीजिए, मिट्टी झाड़ दीजिए उसकी अखबार पर, और उसके बाद फिर उनको तिजोरी में रख दीजिए। और ऐसे ही बच्चे अगर पढ़ते नहीं हो, बात नहीं मानते हो, उनका बौद्धिक विकास अच्छा ना हो रहा हो, विवाह शादी में अड़चन आ रही हो, तो ये उनके अलमारी में रखिए। बहुत कारगर उपाय हैं ये वो उपाय हैं जो हर कोई नहीं बताता है, क्योंकि ये राज होते हैं, हर किसी के सामने नहीं कहे जाते हैं। ये कुछ टोटके होते हैं जो अपने बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं और इनको चुपचाप करा जाता है, कहकर नहीं किया जाता है। तो जवारे आपने बोए हो तो उनको ऐसे ही पूरा विसर्जित मत कर दीजिएगा, उनको तिजोरी में रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो तो रखने ही रखने हैं। और कैसे रखने, लाल कपड़ा थोड़ा सा ले लीजिए, उसमें जवारों को रखकर और उस गांठ मारकर मतलब पोटली सी बनाकर और तिजोरी में रख दीजिए। और ऐसे ही बच्चों के कार्य में अगर ले रहे हैं तो पीले कपड़े में रखिएगा, बच्चों का बौद्धिक विकास करना है ना, उनका गुरु ग्रह अच्छा करना है तो पीले कपड़े में रखें, तिजोरी में माता लक्ष्मी की कृपा पानी है तो लाल कपड़े में रखें। तो ये होते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिनके बिना यदि आप काम करते हैं तो फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा।
आपने केवल रख दिए उठा के ऐसे ही रख देंगे ना, तो वो काम नहीं करते हैं। और हर साल फिर जब नए जवारे हो तब उनको चेंज कर दीजिए, जैसे हर छह महीने में नवरात्रे आते हैं, जब जवारे हो गएंगे पुराने वालों को विसर्जित कर दीजिए और नए वाले उस जगह पर रख दीजिए। अब और भी कोई आपके मन में प्रश्न हो तो मुझे कमेंट में कर बता दीजिएगा, मैं उनके भी जवाब आपको दे दूंगी। कैसे पूजा और कुछ की जाती है, जो भी आपके मन में प्रश्न आए वो पूछ लीजिएगा। आपको मेरी कथा कहानियां उपाय पूजा विधि अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल पर बना रहिएगा और नाम याद रखिएगा श्याम सखी सीमा। अभी के लिए विदा लेती हूँ, राधे राधे। और फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा चैनल अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर जरूर कर दीजिएगा।